हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो अपने न्यू वीडियो का अपडेट दिए हैं, तो आप भी देखिए वो क्या बोले। भाई कल आओगे बिग फैन भाई, और नेक्स्ट वीडियो कब अमन देखते हैं यार। वीडियो पे काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो वाली, क्योंकि अब मैं आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट वाला फेज वापस आ गया अभी, ठीक है। थोड़ी सी ऐसी चीज करना चाह रहा हूँ मैं जो मेरा हमेशा से मन था, पर बहुत सारी चीजों की वजह से वो चीजें नहीं हो पाती। मुझे पता नहीं इसमें इमरजेंसी मीटिंग कहाँ से बुलाते हैं, या तो कॉन्टैक्ट्स वैसे नहीं मिल पाते थे, या तो वैसा काम हमने कभी देखा ही नहीं था, या फिर उसको मैं इमेजिन ही नहीं कर पाता था वो चीजें। पर अब धीरे धीरे चल रही है और वो इफेक्ट में आ रही है, तो मजा आ रहा है। ग्रोथ सिर्फ हमेशा ना नंबर्स की नहीं होती है, ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए, और एज अ क्रिएटर कंटेंट में भी ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए कभी कभार क्या करना पड़ता है, तुम्हें सीखना पड़ता है, समझनी पड़ती है चीजें, 50 चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैं वही फेस कर रहा हूँ, वही उसी फेस से जा रहा हूँ कि मैं अलग अलग जगह हाथ पैर मार रहा हूँ। तो रिसर्च चल रही है कि वो चीजें कैसे हो सकती है जो मुझे करनी है, क्योंकि देखो हर बार मैं ऐसे ऑब्वियसली इट लुक्स वेरी, मतलब इट साउंड्स वेरी स्वीट कि हर महीने एक वीडियो आ जाए और ऐसे सारे काम हो जाए, पर उससे क्या होगा कि एट द एंड मैं उसी पे अटकाऊंगा, मैं उसी पे रह जाऊंगा। मैं अभी वो कर रहा हूँ तो अगले 5 साल तक तो वही करता रहूंगा। आई वांट एक ग्रोथ ऐसे होनी चाहिए कि खुशी क्या ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आए, समझ रहे हो। बॉडी मिली है क्रॉन्टन को, संदीप महेश्वरी इन कैरीज टुडे। अरे मैं ही संदीप महेश्वरी। अब हम बात करने वाले ट्रिगर इंसान के बारे में। तो आजकल बहुत सारे चैनल हैक हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड वो कुछ रिएक्शन दिए, तो अभी देखिए वो क्या बोले। BBS चैनल इज बैक। हाँ, सो बेसिकली कल जब मुझे पता चला कि BBS का चैनल हैक हुआ है, उसके बाद मैंने क्या करा, ये देखो, दिस इज द की। ये वो की है सेफ्टी की, जिससे तुम अपना चैनल सिक्योर कर सकते हो। ये मैंने अभी ऑर्डर की थी, काफी एक्सपेंसिव है, बट ये वो की है। एंड मैंने अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड वगैरह सब बदले, ये वाली की लगाई, एंड थैंक गॉड। मेरी कसम से मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मुझे पता चला कि उसका चैनल हैक हुआ, अब तो लकीली वापस आ गया है, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन जब मुझे पता चला, मेरी कसम से हवा टाइट हो चुकी थी। मैंने कहा भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गया, सबके हैक हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो है, अब जो पहले स्ट्रीम लैब्स OBS से स्ट्रीम करता था मैं, लेकिन अभी सुनने में आया है कि स्ट्रीम लैब्स OBS की वजह से चैनल्स हैक हो रहे हैं, तो फिर अब मैं OBS से स्ट्रीम कर रहा हूँ। इसीलिए आज स्ट्रीम पे तुम्हें कुछ भी लेआउट भी नहीं दिख रहा होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है सुपर चैट्स वगैरह की, सो आई एम सॉरी। तो अब हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन हो चुका था, तो फिर से वहाँ अनबैन हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।